जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आया है सारी सरकारों को, राज्य सरकारों को, जिन्होंने बुलडोजर जस्टिस एक माध्यम बना लिया था, एक टूल बना लिया था कि माइनॉरिटी को किस तरीके से तंग करें, माइनॉरिटी के जो घर हैं उसमें उसको तोड़ने का काम करें, और लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर, नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस को दरकिनार कर जो ये काम हो रहा था उसको रोकने का काम किया है। उम्मीद करती हूँ, अभी तो हियरिंग कोर्ट में चल ही रही है, आने वाले समय में ये जो डायरेक्टिव दिया है वो डायरेक्टिव से वर्डिक्ट बनेगा, क्योंकि देश के संविधान के ऊपर, देश की कानून और न्याय व्यवस्था के ऊपर इस तरीके का जो जस्टिस हो रहा था, मॉब जस्टिस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं देश को ऐसी तरफ लेकर जा रहा था जहां पे और आपस में मतभेद हो, घृणा बने और माइनॉरिटीज को और मार्जिनलाइज किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लेटर लिखा है राहुल गांधी को लेकर प्रधानमंत्री को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है, क्या की? अब देखिए जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, एक उनके भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाएगी अगर वो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं लाते हैं, एक है रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी में थे, वो जो पहले लीडर भी है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं, भूल जाते हैं रवनीत बिट्टू के आतंकवादी की ही वजह से उनकी दादी हो या उनके फादर हो वो शहीद हुए हैं। फिर आते हैं ये संजय गायकवाड़ महाराष्ट्र के गद्दार नंबर वन, जिन्होंने कहा कि उनकी जुबान काट देनी चाहिए, कहीं तो नियंत्रण लाएं। भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी गिर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज की सोच इतनी गिर चुकी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, पर ये जो मनभेद और मैं कहती हूँ जहर घोलने का काम हो रहा है, डायरेक्ट धमकियां दी जा रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, दिखाता है कहीं ना कहीं शायद भारतीय जनता पार्टी हो या ये गद्दार सेना के गद्दार एमएलए हो, वो ऐसे सोच को एंडोर्स कर रहे हैं। तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, मैं उनको बधाई देना चाहती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी अपेक्षाएं, जो भी उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी से, वो उनको पूरा करने का काम करेंगी। कुछ महीनों की मुख्यमंत्री हैं, पर पूरी मैं मानती हूं ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से वो अपने धर्म का पालन करेंगी, जो कि मुख्यमंत्री का पद होता है, वो बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। तो आई विश ऑल द बेस्ट एज अ फेलो वुमन पॉलिटिशियन, आई विश ऑल द सक्सेस। आतिशी मार्लेना जी का जो काम रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है और जो उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में दिल्ली वासियों के लिए काम किया है, आम आदमी पार्टी के सारे ही सदस्यों ने उनको इंडोर्स किया है, वो एक खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, कि नेशनल सिक्योरिटी हो या लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का हो, वो देश के गृह मंत्री के ऊपर जवाबदारी आती है, वहां की जो मुख्यमंत्री हैं उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। तो उम्मीद है कि जो इस पे ऑब्जेक्शन आपत्ति जता रही हैं स्वाति मालीवाल जी, जो खुद आम आदमी पार्टी की हैं, वो ध्यान रखेंगी और क्योंकि वो पार्लियामेंट में हैं, वो बार बार गृह मंत्री को याद दिलाएंगी कि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है दिल्ली में, वो हमेशा ऐसी परिस्थिति रही है जहां पे उसका दुरुपयोग हुआ है और उसके ऊपर राजनीति की है, तो लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दी जाएगी जिस तरीके से स्वाति मालीवाल जी कंसर्न है। आज विश्वकर्मा दिन के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे भी है। बिहार में एक जगह पर विश्वकर्मा के रूप में ही नरेंद्र मोदी जी की पूजा की जा रही है, उनको दूध का स्नान कराया जा रहा है। ये जो हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ है, मैं मानती हूं जो भी हिंदू प्रैक्टिसिंग हिंदू होगा उसको इस बात से आपत्ति होगी, और जो इसकी आपत्ति ना करे और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहे, मैं मानती हूं वो एक सिर्फ चुनावी और ढोंगी हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म की आस्था के खिलाफ काम किया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने लग गए, वो अपने आप को खुद विष्णु का अवतार बनाने लग गए, वो ये कहने लगे मेरी माता से तो मेरा कनेक्शन यही था कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था, पर मुझे लगता है जन्म उनके माध्यम से नहीं आया, नॉन बायोलॉजिकल आया हूं। आज तक विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं वो अपनी माँ के कोख से जन्मे हैं, भगवान श्री कृष्णा हो या भगवान श्री राम हो, यशोदा पुत्र माने जाते हैं और इस तरीके से उनकी माओं के नाम से जाने जाते हैं, उनका पूजा जाता है, उनकी माओं को पूजा जाता है। तो ये जो सोच है, जो हिंदू धर्म के खिलाफ सोच है और जो हिंदू धर्म के खिलाफ ये काम हो रहे हैं जहां पे उनका पूजा पाठ हो रही है, ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं उसकी घोर आपत्ति, घोर निंदा करती हूं। उम्मीद करती हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसका संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराएंगे जो हमारी आस्था के खिलाफ काम करते हैं। महायुति में सीट शेयरिंग को लेके अब अलग अलग बातें आ रही हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि उन्हें 80 सीट चाहिए, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, जो महायुति में जूते चप्पल चल रहे हैं वो सभी उससे वाकिफ हैं। जिस तरीके से खींचातानी क्रेडिट वॉर चल रहा है पोस्टर्स को लेकर, एक तरफ है देवा भाऊ से मैं कहना चाहती हूँ रहने दो भाऊ, गृह मंत्री होने के बावजूद आपने महिलाओं के खिलाफ काम किया, आप लोगों ने वायलेंस को प्रमोट किया
और अब यहाँ पे आकर अजीत पवार जी अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं कि जो लड़की बहन योजना है वो उन्हीं की योजना है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की पार्टी कहती है, गद्दार सेना कहती है उनको 120 सीट पर लड़ना है, ये कहते हैं 80 सीट पर लड़ना है। सबसे पहले प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो मार्जिनलाइज पार्टी हो जाएगी जो अभी 9 सीट लेकर लोकसभा में आई है, सिंगल डिजिट अब शायद असेंबली की तैयारी कर रही होगी। ये देवेंद्र यादव का भी बयान आया कांग्रेस के 2025 में उनका मुख्यमंत्री बनेगा, किस तरह से देखते हैं? जो जनता के बीच में, जनता के काम में ध्यान देगा और जनता के विश्वास को जीतेगा उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली की जनता के बीच में रहेगी, अपने ऐसी लीडरशिप तैयार करेगी जहां पे दिल्ली की जनता का विश्वास जीत सके। तो देवेंद्र यादव जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको जीत की उम्मीद है, पर अपेक्षाएं वही होंगी जो जनता के मन में जाएंगी और जनता उसके आधार पर निर्णय लेगी। तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहूंगी और मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो दिल्ली की जनता के लिए, मैं मानती हूं उनके लिए फैसिलिटीज के लिए काम करें, उनकी सेवा के लिए काम करें और सेवा भाव से आए, वो विजयी हो। अच्छा।